स्टूडेंट्स, आई एम आशा फ्रॉम किड्स पैराडाइज पब्लिक स्कूल। तो बच्चों, आप लोगों को मैंने पिछली बार पेज नंबर 8 पढ़ाया था और मैंने आप लोगों को उसमें कुछ होमवर्क भी दिए थे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग उसे कंप्लीट करके रखे होंगे। और आज मैं आप लोगों को पेज नंबर 9 पढ़ाऊँगी। तो स्टूडेंट्स, प्लीज़ ओपन पेज नंबर 9। तो बच्चों, आप लोगों को पेज नंबर 9 में स्किप काउंटिंग पढ़ना है, ठीक। स्किप काउंटिंग इज काउंटिंग बाय नंबर्स लीविंग अ गैप एज डिसाइड। यानी क्या होता है इसमें, लीविंग अ गैप यानी गैप, आप लोग जितने नंबर का गैप रहेगा उतना आप लोग उसमें गैप ले लेकर उसे हम लिखते हैं। इट इज़ काउंटिंग ऑफ नंबर्स बाय स्किपिंग वन और मोर नंबर्स। यानी हम इसमें नंबर का गैप लेकर के कर सकते हैं, ठीक है। वन और मोर नंबर्स यानी एक या एक से ज़्यादा नंबर। अब इसकी काउंटिंग इज ट्विस्ट, यानी क्या करेंगे हम, यहाँ पे टू लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या, कितना का गैपिंग लेंगे यहाँ पे, तो टू का गैपिंग लेंगे। यहाँ 32 है तो टू का गैपिंग कितना होगा, 34। अब यहाँ होगा 36, फिर टू का क्या होगा, 38, फिर होगा 40, फिर 42, यहाँ होगा 44, 46, फिर 48। उसी तरह यहाँ पे कितना का बोला गया है, तो 3 का हमको कितना लेना है, 3 का गैपिंग लेना है यहाँ पे। तो यहाँ 12 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, फिर 15, फिर क्या होगा, 18, फिर 21 होगा, फिर 24 होगा, फिर 27, उसके बाद 30, फिर 33, फिर 36। इस तरह यहाँ पे क्या है, 4, यहाँ है 5, यहाँ 6, यहाँ पे 10। तो आप लोग को जितना जितना नंबर यहाँ पे लिखा गया है उतना उतना का आप लोगों को गैपिंग लेके इसे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इसे आप लोग जो है आगे आप लोगों को खुद से प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, टू फाइंड विच नंबर्स बिटवीन द टू इज़ ग्रेटर। अब है अ टू डिजिट नंबर इज़ ऑलवेज बिगर देन द वन डिजिट नंबर। अब यहाँ 32 ग्रेटर देन 9। यहाँ पे कहा गया है कि वन डिजिट का जो नंबर होता है वो हमेशा जो है टू डिजिट का जो नंबर रहता है उससे छोटा ही रहता है, क्योंकि टू डिजिट का नंबर जो है वन डिजिट से हमेशा बड़ा होता है। इफ़ बोथ द नंबर्स आर टू डिजिट नंबर्स देन द नंबर विथ ग्रेटर डिजिट इन टेंस प्लेस इज़ ग्रेटर। अब यहाँ पे बताया गया है कि अगर दोनों जगह दोनों प्लेस में अगर टू डिजिट का ही नंबर रहे तो उसमें से बड़ा हम कैसे पहचानते हैं, तो हम उस टाइम क्या करते हैं, हम टेंस प्लेस में जो नंबर रहता है उसे हम देखते हैं। तो टेंस प्लेस आप लोगों को मैंने वंस और टेंस पहले ही पढ़ाया था, ये क्या हो गया, वंस ये टेंस, ये वंस ये टेंस। तो टेंस प्लेस में क्या है, यहाँ 8 है यहाँ 2 है, तो बड़ा कौन हुआ, 8। तो ये क्या हो गया, ग्रेटर देन, ये हम ग्रेटर देन का यहाँ पे साइन दे दिया। अब इफ़ बोथ द नंबर्स हैव सेम डिजिट्स एट टेंस प्लेस, अब अगर सेम डिजिट रहेगा टेंस प्लेस में, देन द नंबर विथ ग्रेटर वंस डिजिट इन इज़ द बिगर नंबर। यानी अगर टेंस प्लेस में अगर दोनों नंबर अगर सेम ही रहेगा तो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर जो है ग्रेटर है, बड़ा है। तो उस टाइम हमको क्या करना पड़ता है, वंस डिजिट में हमको देखना पड़ता है। यहाँ हम देख रहे हैं सेम, ये क्या है, टेंस में देख रहे हैं, यहाँ 36 है यहाँ 38, तो टेंस में क्या है, 3 है, दोनों जगह 3 है। तो हम क्या करेंगे, वंस प्लेस में जो नंबर है वो डिजिट है उसे हम देखेंगे, यहाँ इसके 6 है यहाँ 8 है, तो दोनों में से कौन बड़ा हुआ, 8। तो ये क्या हो गया, ये ग्रेटर देन हो गया। अब व्हेन बोथ द डिजिट्स ऑफ द नंबर्स आर सेम, अब देन द नंबर्स आर इक्वल। अब दोनों साइड अगर सेम नंबर हो तो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। यहाँ क्या 43, ये भी है 43, तो ये क्या हो गया, सेम हो गया। अब सर्कल द लार्जेस्ट नंबर एंड पुट अ स्क्वायर, यानी क्या करना है, जो सर्कल करना है आप लोगों को, जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है यानी जो बड़ा नंबर है उसमें हमको क्या करना है, सर्कल करना है। एंड पुट अ स्क्वायर अराउंड द स्मॉलेस्ट नंबर, और क्या करना है हमको, स्क्वायर बनाना है किसमें, स्मॉलेस्ट नंबर में, इन ईच रो, एक रो में दिया गया, फर्स्ट वन इज टर्न फॉर यू। अब हम क्या करेंगे, इसको हम समझेंगे, आपको इस साइड से देखना है ऐसे, तो हम यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ करके एक अपने तरीका से लिख कर इसे समझने के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। तो वन रो में सबसे बड़ा कौन है, तो 95, तो इसमें हम क्या कर दिए, सर्कल।
और सबसे स्मॉलेस्ट क्या है 12, तो यहाँ क्या कर देना है स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह बी में सबसे बड़ा कौन है, देखिए तो सबसे बड़ा कौन है तो 95, तो इसमें हम क्या कर दिए सर्कल। और सबसे छोटा कौन है, तो कौन है 28, तो यहाँ हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और बाकी आप लोगों को खुद से प्रैक्टिस करने होंगे। अब है पुट ग्रेटर देन स्मॉलर देन और इक्वल टू साइन, आपको क्या करना है इसमें साइन देना। अभी मैंने आप लोगों को बताया ना ये सब ग्रेटर देन स्मॉलर देन और इक्वल टू का मतलब बताया कि कैसे हम समझें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है कौन सा इक्वल है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन एंड ये क्वेश्चन आज होमवर्क में रहेगा, ठीक है। इससे आप लोगों को अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है, ओके बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया है उसे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तो बाय बच्चों, और आप लोग घर में अच्छी तरह से सुरक्षित रहिए।